अंदर महिलाओं के लिए पेशाब के लिए कुछ अलग सुविधा है? नहीं, कोई भी सुविधा नहीं। और पुरुषों के लिए? पुरुषों के लिए अलग मुतारी है यहाँ। और महिलाओं के लिए? अलग से मुतारी नहीं है, जो 5 से 6 टॉयलेट से वो ही है। पर आप मुंबई में अगर आप देखते हैं पैन यूज शौचालय में, तो क्या सब में स्थिति ऐसे ही या कुछ अलग है? नहीं, सभी जगह ऐसी स्थिति है। महिलाओं के लिए कुछ मुतारी, अलग से मुतारी ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ टॉयलेट से। मुतारी के लिए पैसे लेते हैं हर जगह पे? हाँ, सभी जगह पे लेते हैं। कोई जगह इधर 1 रुपया लेते हैं, कोई जगह 2 रुपया लेते हैं, कोई जगह 3 रुपया भी लेते हैं। और अच्छा और एक सभी सुविधाएं देने वाला टॉयलेट से तो वहाँ 5 रुपये भी दे जाते हैं। पर पुरुषों से कितने लेते हैं? पुरुषों के लिए अलग से है मुतारी, तो उनको वहाँ कोई बैठा भी नहीं रहता मांगने के लिए, तो वो देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऊपरी तौर पर यह सवाल किसी को महत्वपूर्ण नहीं लगता, पर घर के बाहर निकलने वाली महिलाओं को ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे शहर नियोजनकार, महानगर पालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस सवाल को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम लोग तो हमारे इधर जाते हैं, हम लोग का पास बना, अगर इधर जाए कभी कार ऐसे अचानक, तो यहाँ पे 2 रुपए लेते हैं। 2 रुपए और पेशाब के लिए? पेशाब का भी 2 रुपए लेते हैं। पेशाब का भी अगर नहीं देते है तो? अभी लड़की लोग इंसर्ट के मारा अपना चुपचाप चली जाती है सहन की, हमारी तरह सब तो निडर नहीं रहती है ना। तो तुम बोलती हो? मैं तो अक्सर जाती भी नहीं, जाती तो 1 रुपया कभी काल देते, दिन तो 2 रुपया देते झंझट मारी के वहाँ। महिलाओं को पेशाब करने के लिए खास शौचालय होना ये जरूरत है, पर सुविधा न होने के कारण महिलाओं में शारीरिक और मानसिक दृष्टि से गंभीर समस्याएं निर्माण होने की आशंका है, और ऐसी कई समस्याएं सामने आई हैं। हम सब महिलाओं के इस जरूरत को नजरअंदाज करके एक बड़ी असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं का एक बुनियादी अधिकार नकार रहे हैं।